सो हाय हायजे आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वायरस में स्वागत दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं नीट यूज एग्जाम 2022 हज़ार से पोस्ट पोन रिलेटेड न्यूज़ के बारे में दोस्तों हाल ही में एक न्यूज़ निकल के आया कि क्या आपका नीट यूज 2022 का एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा दोस्तों सर लोग पता होगा एन ई सू एन एस यू आई के प्रेसिडेंट नीरज कुमार कुंदन जी ने आपके एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को एक लेटर लिखा है कि नीट यूजी दो हज़ार बाईस का एग्जाम पोस्टपोन किया जाए उन्होंने यहाँ पे यह भी बताया है कि आपका सी यू टेई का एग्जाम जो है नीट के एग्जाम से क्लैश कर रहा है जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट जो है परेशान है चलिए देखते हैं दोस्तों क्या एन आई टी एन टी ए जो है आपका एग्जाम पोस्टपोन करेगा इसका ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन निकल गया है कि नहीं दोस्तों यदि आप लोग नीट यूजी दो हज़ार बाईस के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वीडियो को स्किप किए बिना हुए वीडियो को पूरा एंड तक देखना और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम्स नाव के एक न्यूज़ आर्टिकल में यहाँ दिया हुआ है नीरज कुंदन जी जो एन एस जो एन एस यू आई के प्रेजिडेंट हैं यहाँ पर उन्होंने एक जो है लेटर लिखा है यहाँ पर ट्विटर कैंपेन चलाया है हाई स्टेक जस्टिस फॉर नीट यू जी तो यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल स्टूडेंट ऑफ़ यूनियन ऑफ नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के जो है प्रेजिडेंट नीरज कुमार कुंदन जी ने छब्बीस छः को जो है आपको एन टी ए का एक जो है लेटर लिखा है कि जो है नीट यू 2022 का एग्जाम पोस्टपोन किया जाए इनका लेटर है यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने बताया है कि सी और जे ए के एग्ज़ाम और नीट के एग्जाम से जो है क्लैश कर रहा है जिसकी वजह से स्टूडेंट काफ़ी जो है परेशान है उनको प्रिपरेशन करने में काफ़ी समय नहीं मिल पाया जिसकी वजह से आपको नीट यूजी दो एग्जाम कैंसिल कर देनी चाहिए तो दोस्तों अभी तक आई एन टी द्वारा ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपका नीट यूजी दो हज़ार बाइस का एग्जाम कैंसिल होगा अभी तक सिर्फ डेट ये निकल गया सत्तर जुलाई से आपका एग्जाम स्टार्ट है दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए